जी बिल्कुल, सानिया मच के शोदा के लवाकीन के साथ इजहार यकजहती के हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ एहतजाजी रैलियों और धरनों का सिलसिला जारी है, तो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियाँ और जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं। दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद के अलमदार चौक में इस सिलसिले में ताजरों, सिविल सोसाइटी, वकला, इसी तरह से जो मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसिल मुफ्ती कफायत नकवी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। हजारा बरादरी पाकिस्तानियत का सिंबल है कोयटा में, और ये उन लोगों के हाथों में, उनकी आंखों में चुभता है कांटे की तरह। एंटी पाकिस्तान जो लोग हैं, लाशें जो लेके बैठे वो ब्लैकमेलर होते हैं। एक ही मुतालबा है, हुकूमत वक्त को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए, सिक्योरिटी का इंतजाम करना ये हुकूमत वक्त का फर्ज है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अब सबा सालार आजम को कोयटा जाना चाहिए। जी, तो ये थे मुफ्ती कफायत हुसैन नकवी जो शोदा हैं, उनके लवाहिकीन के साथ यकजहती का इजहार करें। तो साथ ही हुकूमत पाकिस्तान से यहाँ पर यह मुतालबा किया जा रहा है कि मुसलसल जो कत्लेआम का सिलसिला हज़ारा का कम्यूनिटी का जारी है, उसका सिलसिला भी बंद करवाने के लिए हुकूमत अपना किरदार अदा करें।